बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सीएससी गाइड ऑफिशियल डॉट कॉम वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बारे में। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, जिसने अप्लाई करना है कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। बहुत ही इसका थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस है, और इसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मौजूद है, रोड एंड बेल्ट की स्कॉलरशिप भी मौजूद है। तो ये तीन स्कॉलरशिप इसमें है पड़ी, तो आपने वीडियो देखनी है पूरी, तभी आपको पता चलेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अथॉरिटी है जी, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। मास्टर और पीएचडी के लिए फुली फंडेड है, 3000 RMB मास्टर के लिए, 3500 RMB पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट सेंड करने 15 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। और बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में जो रोड एंड बेल्ट है, उसमें जो रोड एंड बेल्ट में सिटी आते हैं, सिटी कह रहा हूँ सॉरी, कंट्री आते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसमें हमारा मुल्क है, वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी का फॉर्म आपने अप्लाई करना है, फिल करना है, और उसके एजेंसी नंबर ये है। फिल करने के बाद आपने उसमें साइन लाजमी करने हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है वो भी बताता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, खसूसी इसमें इनके क्या किया गया है जी। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सेकंड, आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी का। तो वो आपने कैसे फिल करना है ये लिंक दिया गया है, इस पर आपने फिल करना है। उसके बाद 600 युआन फीस भी है इसकी, वो भी आपने पे करनी है। अब ये उन्होंने मैंशन नहीं किया कि पहले पे करनी है या बाद में पे करनी है, उसका मैं आपको हल बताऊँगा कि उसका आपने क्या करना है। अच्छा ठीक है, इसमें रिजल्ट एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस होगा। मेलिंग एड्रेस ये है जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं सीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ क्लिक करें, कैसे फिल कर रहे हैं सीएससी का फॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, जहाँ पे आप जैसे आप मर्जी देखें, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, और इसमें ये है जी एजेंसी नंबर जो है, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एजेंसी नंबर पहले देखते हैं, क्योंकि नीचे एजेंसी नंबर दूसरा पिछली यूनिवर्सिटी का लिखा गया है। एक मिनट, ठीक है। तो इसका एजेंसी नंबर 10027 है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या करनी है, दो उन्होंने ये नहीं कर लिखा वेबसाइट पे, मैं आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी उसमें दिखाता हूँ कि उस उन्होंने क्या लिखा है उसमें। वो लंबी चौड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट दी है, उन्होंने ये मैंशन नहीं किया कि आपने दो सेट भेजने हैं सबके, तो उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको। तो इसमें सिर्फ उन्होंने जिन जिन की रिक्वायरमेंट दो कापी थी, उन्होंने टू कापी साथ लिख दिया। BNU बीजिंग डॉर्मी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप यहाँ पे फिल करके डाउनलोड करेंगे, ठीक है। होगा हाईएस्ट डिग्री होगी, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज पाकिस्तानियों के लिए जो स्पेशल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनके लिए क्या स्पेशल है। तो मे बी जो पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल मांग रहे हैं, आई थिंक हो सकता है इसमें पाकिस्तानी के लिए कोटा ज़्यादा हो, जैसे DUT वाले स्पेशल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए, उन्होंने मैंशन कर दिया है कि 16 ईयर एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, इन्होंने भी मैंशन किया है। वैसे पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करें आप, मास्टर की पर्सनल स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक हो गया जी। आपने फिर फॉर्म क्या करना है, फिल कर लेना है। अच्छा ठीक है, तो बैग जाते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये आपने फिल कर लेना है, जैसे आप फिल करते हैं, ठीक हो गया। जैसे वो स्टडी प्लान इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट आपने क्या देना है, ये मास्टर वालों के लिए पर्सनल स्टेटमेंट है। PID वाले क्लिक करेंगे लिंक पे, PID वालों के लिए आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, रिसर्च यू हैव डन बिफोर, आपने कौन कौन सी रिसर्च की हुई है, और आपका प्लान क्या है उसमें फ्यूचर में, डॉक्टर प्रोग्राम डिग्री में, तो ये भी अभी आपने बता देना है। तो आपने अपने मास्टर के लिए लिखना है, मास्टर के लिए आपने जो भी है बता देना है, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर कैरियर और बाकी सारी चीज़ें बता देनी है, 1500 इन 1500 वर्ड्स। यहाँ पे पता नहीं ये हज़ार क्या चीज़ लिखी हुई है, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इन 1500 वर्ड आपके होने चाहिए। प्रिंट इन वन पेज इन बोथ साइड विदाउट चेंजिंग द फॉर्मेट, तो आप बोथ साइड पेजेस पे कर सकते हैं इसे प्रिंट आउट। तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी आपने कर देने हैं आखिरी पेज पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने मतलब कि इसमें सब चीज़ें PID वालों ने भी ऐसे ही करना है। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास दो पासपोर्ट फोटोग्राफ होने चाहिए, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपने नॉट इंक्लूडिंग द वन ऑन द फॉर्म, तो आप मतलब के फॉर्म में इंक्लूड ना हो वो अलग से होनी चाहिए। दो विद द नेम ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द फैकल्टी या डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर द रिटर्न ऑन द बैक, जिसमें आप अप्लाई करना है डिपार्टमेंट में, उसमें उसके फोटो के बैक साइड पे आपने लिख देना है कि ये इस फैकल्टी के लिए मैंने अप्लाई किया। टू पोस्ट फोटो कापीज ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज, आपका होम पेज जो है उसकी दो फोटो कापीज आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। तो ये रिसिप्ट यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ रिसिप्ट अगर आपने उन्होंने मैंशन नहीं किया रिसिप्ट का, तो इसे आपने क्या करना है, काट देना, ख़त्म कर देना है, लाजमी नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है ये, और यूनिवर्सिटीज की दी गई थी, इसे छोड़ देना है। अच्छा ठीक है, आपने क्या करना है फिर,
उसके बाद आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर, ये ऑप्शनल है ठीक है, फॉर एप्लीकेंट पासपोर्ट पेज, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो रिसिप्ट वगैरह कोई नहीं लगानी, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आइट्स नॉट मैंडेटरी, एक्सेप्टेंस लेटर ये ऑप्शनल है, और इसमें भी ये बाकी सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, ऑप्शनल ये अटैच करनी है, लेकिन आपने सीवी वगैरह और अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स वगैरह हैं तो आपने कर देनी है। और ये क्लिक हियर पाकिस्तानियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, देख देख सकते हैं आप ठीक है, यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट आपने देखनी है। तो ये ओपन हो रही है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इसी वजह से ये मसला कर रही है ठीक है। अच्छा तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट अगर पाकिस्तानियों के लिए दी गई है तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है, अच्छा तो ठीक है, हाँ ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं, प्लीज़ सबमिट नोटराइज्ड HEC अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट टू गेट द एडमिशन इन मास्टर डिग्री, यू मस्ट हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विच में इंक्लूड। तो मतलब कि HEC से आपकी अटेस्ट होना लाजमी है, ये उन्होंने कहा गया है ठीक है, नोटराइज भी हो, HEC से भी अटेस्ट हो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये अब नहीं पता स्लैश का मतलब, इन्होंने आर आर लिखते नहीं तो स्लैश का दे दिया, नोटराइज या हो या HEC से, ये डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या क्या है जी, टू गेट इन्फॉर्मेशन इन मास्टर डिग्री, आपके 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, बैचलर अगर आपके पास 2 साल की है तो आपके पास 2 साल की मास्टर डिग्री, जैसे 2 साल की BSc उसके बाद 2 साल की MSc ठीक है, उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर फिर या बैचलर प्रोग्राम 4 साल का होना चाहिए, जिसे कहते हैं BS प्रोग्राम कहते हैं, BEd BEd कोई कोई नहीं चलनी, ये सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में चलती है, एजुकेटर्स वगैरह ने जो ये में जो है वहाँ पे कोई काम नहीं करती, उसे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और HEC में उसमें उसका एडमिशन के लिए आपने क्या करना है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ठीक हो गया जी। तो इसमें आपके पास MPhil के लिए आपके पास 18 साल की तालीम हो, जैसे मतलब कि बैचलर के बाद मास्टर 2 साल की, उसके बाद क्या है MPhil 2 साल की ठीक है, बैचलर 2 साल की, MSc 2 साल की, उसके बाद MPhil 2 साल की, या फिर बैचलर प्रोग्राम के बाद MPhil 2 साल की, BEd BEd कोई नहीं चलनी। अच्छा ये चीज़ें हो गई। अच्छा हम चलते हैं अब इनकी ऑफिशियल जो हमने देखी थी अनाउंसमेंट, उसमें तो ये पाकिस्तान का होगा, ये उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, ये बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का हो गया। तो ये वीडियोज़ में लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आपने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की जो इनकी ऑफिशियल जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी वो बता देता हूँ। अच्छा हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है ये, तो इसमें ये आप सारे रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, इसमें बताया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका मैंने बता दिया है, तो इसमें ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या करना है आपने, क्या आपने फ़ी जो है कहाँ पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 600 आर बी नॉन रिफंडेबल, इट शुड बी पेड ऑनलाइन और बाई यूनियन पे कार्ड। इसका हल ये है, जिनके पास एक्सेप्टेंस है वो सीधा सीधा करें यूनिवर्सिटी को मेल ठीक है, मेल उनकी ये दी गई है, ग्रेजुएट प्रोग्राम चाइनीज़ में है, चाइनीज़ ग्रेजुएट के लिए और इंग्लिश टाट के लिए ठीक है, आपने इंग्लिश पे के लिए करनी है, यहाँ पे आपने मेल करनी है, या ये इनका फ़ोन नंबर नहीं दिया गया, फ़ोन नंबर इनका नहीं दिया गया ठीक है, तो आपने मेल करनी है इनको, इनसे पूछना है कि हमने फ़ी कब पे करनी है, पहले पे करनी है या बाद में पे करनी है, क्योंकि फ़ी पे करने के लिए क्योंकि उनका ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम जो इनका है, ये ऑनलाइन पोर्टल है इनका बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का, ये आपने कहाँ पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्या नाम है ये है ठीक है, जैसे इधर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इसके ऑनलाइन पोर्टल पे। साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, मैंने ये एप्लीकेशन फिल नहीं की और ये वैसे ही किया था ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये मैं आपको बता भी रहा हूँ थोड़ा सा, आपने क्या करना है यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया कि इन्होंने आप यहाँ पे नहीं किया कि आपने कौन सा किस किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जहाँ तक मेरा माइंड माइंड काम करता है कि इनका ये है कि आपने मास्टर स्टूडेंट की जिस चीज़ में स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है आपने कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें ठीक है। उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आप करें, अगर आपका इंग्लिश में है तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई आप कर लें फिलासफ़ी और जो भी चीज़ें हैं ठीक है, मैं फिलासफी पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है, इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे CSC का फॉर्म अपलोड करना है या नहीं करना, बैक चले जाता हूँ मैं, व्यू करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, व्यू व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या किया है जी, पासपोर्ट फोटो कापी अपलोड करनी है, प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और रिकमेंडेशन लेटर, बस इन्होंने सिर्फ यही डिमांड किए हैं और कुछ भी नहीं डिमांड किया। इसका मतलब ये कि
जिस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने बताए हैं वेबसाइट पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सीएससी का फॉर्म, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, अपलोड का ऑप्शन भी नहीं है, तो वो आपने क्या करने हैं, उनके साथ सेंड कर देने हैं। अब ये मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप सीएससी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीएससी का फॉर्म अटैच कर देना है। अगर आप बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म फिल कर देना है। आप क्लिक करते हैं बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये इस पर कैसे आपने क्या करना है, इसका फॉर्म या इसका अप्लाई आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसकी दी गई है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, ये एप्लीकेशन फॉर्म है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, ठीक है। इसे हम करते हैं ओपन, ये बीजे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का है और इसमें ये बताया गया है कि आप ये फॉर्म किन किन के लिए है, बीजे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए है, बीजे नॉर्मल यूनिवर्सिटी न्यू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, बीजे नॉर्मल यूनिवर्सिटी फॉरबिडन सिटी स्कॉलरशिप ये जो है इनके लिए है, और बीजे जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी सिल्क रोड मुडाउ स्कॉलरशिप जो है ये इनके लिए है। अब सीधी सी बात है, ऑनलाइन जो इनका एप्लीकेशन पोर्टल था, जो हमने फॉर्म फिल किया है इधर, मतलब के फिल करने बैठे हैं, तो इसमें इन्होंने कहीं पे नहीं किया, कहाँ मेंशन किया कि यहाँ पे जब आप अप्लाई करने लगते हैं तो आपने किस स्कॉलरशिप, यहाँ पे वैसे नॉर्मली तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, मतलब ये कि हमने किसके लिए अप्लाई किया है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें फ़ी का ऑप्शन भी कहीं नहीं हमें नज़र आया कि हमने फ़ी पे कहाँ पे करनी है, ठीक है। फ़ी पे के ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे व्यू करते हैं, कहीं पे फ़ी पे का ऑप्शन है, कहीं पे फ़ी ना स्लिप का कहा गया है ना उसका कुछ भी नहीं कहा गया कि कहाँ पे अपलोड करना है फ़ी की, तो इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी है। ये आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बेहतर बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, या यूनिवर्सिटी में जो लड़का पढ़ रहा है वो आपको बता सकता है, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है ये फॉर्म, अब जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना है उस पे आपने चेक कर देना है। अब ये नहीं पता कि आप सारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनमें से एक में से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल है, ये आपने दे देनी है अपनी कि आपने क्या करनी है, और आखिर में क्या करना है, सिग्नेचर भी कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या कही है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, बैचलर के लिए भी यह है, मैं और बताता हूँ इसके लिए, बैचलर के लिए स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा होगा कि ये सारी चीज़ें इन्होंने रिक्वायरमेंट है, ये सारी बता रहे हैं कि आपने ये काम करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे बताया इसकी सी एस सी स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट द फॉलोइंग एडिशनल मटीरियल्स। सी एस सी स्कॉलरशिप की दो एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या करने हैं, उनको सबमिट कराने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें यहाँ पे नीचे लिखा गया है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड बीजिंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये आपने सबमिट कराना है। अब ये इन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पे लिखा कि आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैक वक्त, या दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्या करने हैं, एक जो है पैकेज, एक पैकेज सबके लिए अप्लाई होगा, उसका हम देखते हैं कि वो मैंने पढ़ा था कहीं पे, देखते हैं पे कहाँ पे लिखा है कि एक जो है पैकेज जो है सबके लिए चल जाएगा, मतलब एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है सबके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे लिखा था, प्रिंटेड एप्लीकेशन स्कॉलरशिप वन पैकेज, यहाँ पे कहीं पे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी पेज में ही लिखा हुआ है, ओनली वन पैकेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स। तो मतलब कि सबके लिए एक ही पैकेज होगा। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी से पता करना है कि वो आपको ये एक ही पैकेज में आप सीएससी का फॉर्म भी लगा सकते हैं, या बीजे गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का फॉर्म भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी भाई, हमने तो आपको बता दिया बिडू, तो आपने अब आगे सारा काम खुद करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने थोड़ी सी आपको वो करनी पड़ेगी भाग दौड़, तो आपने उनसे कॉल करके या मेल करके पूछ लेना है कि हमने क्या क्या तरीका कार इख्तियार करना है इसके लिए। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसके बाद चलते हैं इसकी मुडाउ स्कॉलरशिप जो है इसके लिए, इसकी एप्लीकेशन, ये भी सब चीज़ें वैसे ही करनी है। फॉर्म सिर्फ मेरे ख्याल में वो सारा फॉर्म जो है चेंज करके, वही जो बीजे गवर्नमेंट वाला था वहाँ पर आपने क्या करना है, उनको सेलेक्ट करके कर देना है। इसमें अंडर ग्रेजुएट की 12 सीटें हैं, कोटा यहाँ पे मैंशन किया गया, ग्रेजुएट के 4 स्टूडेंट और PhD के 4 स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टाइपेंड सारा वही वैसा ही है, सीएससी के जितना ही है इनका। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये आपने क्या करना है, वो
कर लेना है फिल। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, बाकी इसमें ये सारी चीज़ें वैसी हैं, सब चीज़ें बस सब चीज़ें वैसी ही हैं, बाकी सारे सिर्फ अपने फॉर्म पे चेंजेस करें। डेट भी, डेडलाइन सबकी सेम ही है जैसी वो उसकी डेडलाइन थी। अच्छा, हम चलते हैं फॉरबिडन। इसमें जो है कंट्रीज़ जो है वही जो रोड एंड बेल्ट में कंट्रीज़ आते हैं उन्हीं को अलाउ की जाएगी, और किसी किसी को अलाउ नहीं की जाएगी। जो रोड एंड बेल्ट में कंट्रीज़ आते हैं, कंट्रीज़ अंडर द रोड एंड बेल्ट, तो ये वही अप्लाई कर सकते हैं। अब करते हैं इसकी फॉरबिडन सिटी स्कॉलरशिप जो है ये भी उसी में ही आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये भी वही है सारा, सिर्फ आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप रेफर टू, ये वही आपको इंस्ट्रक्शन में ले जाएगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्म वो डाउनलोड करके फिल कर लेना है। अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, आपने इनका यूनिवर्सिटी के पोर्टल जो है, ये जो हमने किया था, ये आपने फिल करना है या नहीं करना, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसके बारे में सर्च करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट शुड लॉग इन ऑन इस ये बी अप्लाई डॉट बी एन यू फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेल और सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द, ये सारे काम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। फॉर्म ये आपने कैसे फिल करना है ये मैं बारह हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये है बड़ी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है कि आपने ये फॉर्म कैसे फिल करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप अपनी बेहतरी के लिए, आप मज़ीद उसके लिए, क्योंकि वेबसाइट पे डिटेल तो है नहीं, मज़ीद जो 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 मैं जिस चीज़ का मुझे नहीं पता था मैंने बता दिया, ये नहीं कि मैं अपने से घड़ के बता दूँ आपको और बाद में कोई मसला हो जाए। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। बीजिंग आपने सिर्फ उनसे ये पूछना है कि फ़ी हमने कैसे पे करनी है, और दूसरा क्या नाम है उसका। अच्छा, जो मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी NPU की, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बैंक में थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन था, वो मुझे नज़र नहीं आया, उसके सामने ही ऑप्शन था, तो वो आप बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी से ये पूछना है कि हमने फ़ी कैसे पे करनी है, कब पे करनी है, पहले पे करनी है अप्लीकेशन से या बाद में पे करनी है। उसके बाद बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए और मुडाउ स्कॉलरशिप जो भी है, इनके लिए हम अलहदा से अप्लाई करेंगे या एक ही पैकेज में हम ये सारी चीज़ें भेज सकते हैं, मतलब कि हम सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हो गई। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।